जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद की जो सरकारें रही उनको वो नाम ठीक नहीं लगे तो उनका महत्व कम मिला जिस महत्व के वो हकदार थे, इतना महत्व नहीं मिला। मैं दो बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान जो नहीं मिला, और राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे राख उठाई थी सरदार पटेल साहब की उन्होंने कि ये राख एक दिन अमर होगी, और ये हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में केवड़िया में, जिसको अब एकता नगर भी कहते हैं, 182 फीट ऊंची प्रतिमा बना करके नरेंद्र मोदी जी ने वो मान और सम्मान सरदार पटेल जी को दिया जिसके वो हकदार थे। दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर तरह की अपनी योग्यता दिखाई, संविधान निर्माण से लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिस पे उनका कोई आर्टिकल नहीं आया हो, उनकी कोई बुक नहीं आई हो। मानव शास्त्री से लेकर के, समाज शास्त्री से लेकर के, राजनीति शास्त्र से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, लेखक से लेकर के, फिर भी 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है और 90 में जाकर के भारत रत्न मिलता है, और तब मिलता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती है यहां।